वेलकम टू पॉलीज किचन। आज हम बनाएंगे ग्रिल फिश पैन स्टाइल में। इंग्रेडिएंट्स की लिस्ट आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सबसे पहले हम डालेंगे थोड़ा सा सरसों का तेल, जिस पे हम मेथी दाने का छौंक मार लेंगे। जब ये पक जाए उसमें हम डालेंगे चॉप्ड प्याज। मैंने दो मीडियम साइज के प्याज इस्तेमाल करे हैं। हल्का सा फ्राई करने के बाद डालेंगे 1 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट और तब तक फ्राई करेंगे जब तक जिंजर गार्लिक पेस्ट का कच्चा स्मेल चला जाए। दूसरी तरफ हम टमाटर प्योरे तैयार कर लेंगे, जिसके लिए 4 हरी मिर्च और 2 मीडियम साइज के टमाटर ग्राइंड कर लेंगे। जब प्याज और जिंजर गार्लिक पेस्ट गोल्डन ब्राउन होने लगेंगे उसमें हम डालेंगे ये टमाटर प्योरे। फिर डालेंगे 1 टीस्पून हल्दी पाउडर और अच्छे से मिक्स कर दें। उसके बाद नमक की जगह मैं यूज़ कर रही हूँ फिश सॉस 2 टेबलस्पून, क्योंकि फिश सॉस से एक बहुत अच्छा फ्लेवर भी आता है। अगर आपके पास फिश सॉस ना हो तो नमक का इस्तेमाल कर सकते हो। और तब तक पकाएं जब तक टमाटो प्योरे से तेल अलग होना शुरू कर दे। ये देखिए तेल अलग होना शुरू हो गया। अब इसमें हम डालेंगे 1 कप फ्रेश दही। दही और टमाटर के वजह से ये डिश थोड़ा सा खट्टा होता है। अगर आपको और स्पाइसी चाहिए तो आप थोड़ा सा चिल्ली पाउडर ऐड कर सकते हो। आँच मध्यम रखें और अच्छे से मिक्स कर दें। जिस कटोरी में दही था उसे कटोरी में 1 कप पानी डाल के उसे हिला के डाल दें। इसे हम मध्यम आँच में पकने देंगे और जब ये पक रहे हैं हम उसमें डालेंगे 1 टीस्पून जीरा पाउडर और 1 टीस्पून धनिया पाउडर। इसे हम पकाएंगे जब तक थोड़ा सा पानी सूख जाए। ये देखिए बिल्कुल वही टेक्सचर जो हमें चाहिए था। अब इसमें हम डालेंगे फ्राइड फिश। फ्राइड फिश रेसिपी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। इस वक्त आंच को बिल्कुल ही धीमी रखना है और बहुत ही हल्के हाथों से मसाले को फिश में अच्छे से लगा ले। ध्यान रहे फिश के पीसेस टूटे ना। अब इसे हम स्लो कुक करेंगे तो बिल्कुल ही धीमी आंच में इसे ढक के पकाएंगे ताकि मसाले फिश के अंदर तक चला जाए। लगभग 10 मिनट के बाद फिश के पीसेस को पलट दे ताकि दूसरी साइड से भी फिश मसाले को अब्सॉर्ब करे। फिर 10 मिनट के बाद उसे चेक करें। ध्यान रहे पलटते समय फिश के पीसेस टूटे ना। ये देखें पानी भी सूख गया है और बिना ओवन का भी रोस्ट हो गया है पैन में ही। है ना आसान और हेल्दी। अब इसे हम गार्निश करेंगे चॉप धनिया से। आपने और एक बात गौर किया है, इसमें मैंने सिर्फ और सिर्फ धनिया और जीरा पाउडर ही इस्तेमाल करे थे। और ये देखिए कलर कितना अच्छा आ रहा है बिना चिली पाउडर का इस्तेमाल करे ही। तो अगर आपके पास ओवन ना हो ये लीजिए हल्का सा खट्टा और स्पाइसी ग्रिल फिश। कितना इजी है ना पैन में बनाना। अब एंजॉय करें ये सॉफ्ट और जूसी फिश को चावल के साथ। मेरा ये दावा है कि आपको मेरे स्टाइल का ग्रिल फिश पसंद ज़रूर आएगा, लेकिन आपको वो पता तब तक नहीं चलेगा जब तक आप इसे ट्राई नहीं करोगे। तो ये आसान से डिश को आप ज़रूर ट्राई कीजिए और कमेंट सेक्शन में आपका फीडबैक देना ना भूलिएगा। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को भी क्लिक कर दीजिए ताकि मेरे नए वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। अगले हफ्ते फिर मिलेंगे एक और मज़ेदार रेसिपी के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड टू पॉलीज किचन, स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट।